नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्म दुबे और आप देख रहे हैं हिंदी रश। अभिनेता ऋतिक रोशन की सुपर 30 मूवी देखने से पहले फिल्म के बारे में आपको रिव्यू बता दें कि इस फिल्म की कहानी एक ऐसे द्रोणाचार्य की है जिन्होंने अर्जुन को नहीं बल्कि एकलव्य को काबिल बनाया। सुपर 30 बायोपिक है बिहार के जीनियस गणितज्ञ आनंद कुमार की, जिन्होंने 30 गरीब बच्चों को IIT के लिए पढ़ाया, वो भी निःशुल्क। चलिए सबसे पहले इस फिल्म की कहानी के बारे में जान लेते हैं। सुपर 30 फिल्म की कहानी शुरू होती है आनंद कुमार से, जिनका किरदार निभा रहे हैं ऋतिक रोशन। इन्हें एजुकेशन मिनिस्टर श्री राम सिंह यानी पंकज त्रिपाठी मेडल दे रहे होते हैं उनकी गणितज्ञ की काबिलियत के लिए। लेकिन आनंद कुमार की निगाहें मेडल पर नहीं बल्कि उस गरीब बच्चे के हाथों में होती है जिसने किताब पकड़ रखी होती है। अपनी मेहनत और बुद्धि के बल पर उन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो मिल जाता है, लेकिन पैसों की तंगी की वजह से फीस नहीं भर पाते। गरीबी की वजह से ही आनंद कुमार की प्रेमिका ऋतु यानी मृणाल ठाकुर भी उन्हें छोड़ देती हैं। इस बीच आनंद को ऑफर मिलता है एक कोचिंग में टीचरिंग करने का। आनंद की गरीबी दूर हो जाती है और उनके अच्छे दिन आ जाते हैं, लेकिन फिर उन्हें एहसास होता है कि वो सिर्फ राजा के बच्चों को ही राजा बना रहे हैं, जबकि गरीबों के लिए कुछ करना चाहिए। और फिर आनंद कुमार शुरुआत करते हैं सुपर 30 की। गरीब बच्चों को पढ़ाने के बीच किस तरह की परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ता है, ये देखने के लिए आपको फिल्म देखने जाना होगा। अभिनय के मामले में ऋतिक रोशन आनंद कुमार के भीतर घुस चुके हैं। हालांकि कहीं कहीं ऐसा लगा जैसे बिहारी टोन जबरन घुसेड़ने की कोशिश की जा रही है। मृणाल ठाकुर ने अपनी छोटी सी भूमिका में बेहतर प्रदर्शन किया है। हमेशा की तरह पंकज त्रिपाठी ने भी सभी का दिल जीत लिया है। बाकी सारे किरदारों ने भी अपना 100% दिया है। निर्देशन के मामले में विकास बहल ने खुद को फिर एक बार साबित किया है। आनंद कुमार ने गरीब बच्चों को रास्ते से उठाकर इंजीनियर बनने की कहानी को बहुत बखूबी बड़े स्क्रीन पर फिल्माया है। बच्चों में और आनंद कुमार में जो जज्बा दिखना चाहिए वो दिखाने में विकास बहल सफल हुए हैं। हालांकि आनंद कुमार की जीवन से जुड़े विवादों को उन्होंने फिल्म से दूर रखा है, वैसे क्लाइमेक्स और भी बेहतर हो सकता था। राजा का बेटा राजा नहीं रहेगा, आपत्ति से अविष्कार का जन्म होता है जैसे डायलॉग दर्शकों को तालियां बजाने के लिए मजबूर कर देंगे। हिंदी रश अपनी तरफ से ऋतिक रोशन की फिल्म सुपर 30 को 5 में से 3.5 स्टार देता है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। देखते रहें हिंदी रश।